दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो कि मैंने 2 घंटे पढ़ने का गोल बनाया था और 2 मिनट भी पढ़ नहीं पाया। मैंने 10 घंटे पढ़ने का गोल बनाया था लेकिन आधे घंटे में औकात पता चल गई। ये समस्या खड़ी हो रही है ना, ये इसी कारण से खड़ी हो रही है। आज के इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, एक एक बात का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इंडिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने अपने सेमिनार में एक बात कही थी, चलिए उनके मुंह से ही सुनते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। और वो यही सबसे पहला रीजन है, संगति का असर। जिस भी तरह के लोगों के साथ आप रहते हो आप भी वैसे ही बन जाते हो। जिस भी तरह के लोगों के साथ आप रहते हो आपकी हरकतें भी ऐसी हो जाती है, और आपकी हरकतें डिफाइन करती है आपका फ्यूचर। रहने लग जाओ उन लोगों के साथ जिनकी जिंदगी में एक मकसद है, एक पर्पज है, जिनके लिए वो जीने मरने को तैयार है। आज से अगर रहने लग गए ना तो कल से आपकी जिंदगी में नए बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। ये था पहला रीजन। और जो दूसरा कारण है वो है मोबाइल फोन एडिक्शन। पहले एक कहावत होती थी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन अब कहावत बदल चुकी है और वो हो चुकी है, तब तक खाएंगे नहीं रोटी और सब्जी जब तक खेलेंगे नहीं पबजी। अरे कब तक खेलोगे पबजी को, कब तक चलाओगे मोबाइल को? आज ही अपने मोबाइल से वो सारी चीजें डिलीट कर देना जिनका तुम्हारे गोल से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहता कि मोबाइल फोन को छोड़ दो, क्योंकि मोबाइल बहुत काम की चीज है और इससे बेकार भी चीज इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। तुम्हारी इतनी बड़ी जिंदगी एक छोटे से मोबाइल में चिपक गई है, एक छोटे से मोबाइल में घुस गई है तुम्हारी जिंदगी। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, अपने आप से क्वेश्चन नहीं करना कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा। जिस इंसान के पास इस क्वेश्चन का आंसर है, मुझे नहीं लगता उसकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन उसको छू भी पाएगा। और अगर इसका आंसर है उसके बावजूद भी तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ना तो तुम कुछ कर सकते हो और ना मैं कुछ कर सकता हूँ। भगवान भी अगर आ जाए ना तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अपनी एक जिंदगी में तुमने एक सपना देखा और वो भी खोखला निकला। उस सपने में जान नहीं है तो सपना किस काम का नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा, फिर भी अपने आप से एक वादा करो आज कि मुझे नहीं पता मैं जिंदगी में क्या करूंगा, लेकिन जो भी करूंगा पूरे दिल और दिमाग से करूंगा और उस काम को करने में मैं अपना 100% लगा दूंगा। थोड़े से दिनों बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आ जाएगा कि मुझे करना क्या है, इस बात की गारंटी देता हूँ। और फिर अंदर से आवाज आएगी कि मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। एक मकसद है मेरी जिंदगी का, उस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे पढ़ाई करनी होगी।